बाय करो लड्डू, बाय बाय करो, बाय 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 बाय, चलो बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई अभी सुबह के बज गए हैं 9 और भाई सुबह सुबह आज भी जो है धूप वगैरह नहीं निकला है। और जैसे कि आप सबको पता है कि सुबह का मेरा नाश्ता रहता है पीनट बटर और रोटी, ये नाश्ते में मैं खाता हूँ। सुबह सुबह ओम आ गया है उठ के खेलने के लिए। इधर लाडू खेल रही है और ये दोनों देखो खेल रहे हैं कूद कूद के। और इधर मेरा आ गया पानी, गर्म पानी। तो ये गर्म पानी है जो कि थर्मोस में भर रखे हैं। हमारे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं तो सोचे हैं पानी दे दें, उसके बाद हम किचन में चले जाएंगे। बाकी हमारे लाडू थोड़ा परेशान कर रही है मेरे हस्बैंड जी को, रहते हैं तो उनको डांटते रहते हैं, तो थोड़ा डरती है, हमसे नहीं डरती है बिल्कुल। वो इतना परेशान कर रही है, कैसे खेल रही है। अभी ये वाला देखो, ये दरवाजा भी खोल दी है, अलमारी में लॉक नहीं मारते हैं तो क्या करती है पूरा खोल दे रही। खोल दो लाडो, खोल दो। देखिए दोस्तों, खींच खींच के कभी कभी अलमारी देखिए खोल दी, देखिए देख रहे हैं खोल दी अलमारी, खोल के छोड़ देती है, इसमें चूहा घुस जाएगा, जितना सारा कपड़ा सब काट देंगे, इसलिए बंद करना पड़ता है, लॉक नहीं मारते हैं। तो चलो भाई अभी सुबह का नाश्ता करते हैं। और मुझे कुछ काम है कटे, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जाना है, कुछ पापा का काम था बैंक में, तो वही सोच रहे हैं जाएं और कर दें। मौसम तो इतना ठंडा है कि अभी घर से बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन काम है तो अभी जाना पड़ेगा। तो चलो नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं घर से। देखिए लाडो हमारी हमेशा दरवाजा बंद करती रहती है, इसीलिए इसमें का क्या किए हैं, चाबी निकाल के रख दिए हैं ताकि कभी अंदर लॉक कर ले। देखिए कैसे बदमाशी, जब कोई नहीं रहता है ना तो लाडो अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, इसलिए हम चाबी निकाल के रख दिए साइड में ताकि कभी बंद भी करे तो खुल जाए, वरना एक दिन ओम बाबू क्या किए थे लॉक कर लिए थे, तो मतलब बचाएं खोल दिए ना, तो वरना खुला नहीं रहता। बाकी हमारा लाडू मस्त एकदम, देखिए कैसे तैयार हुई है। टोपी निकालो लाडू, टोपी निकालो, टोपी निकालो अपना। तो गाइज ये देखिए लाडो हमारा दरवाजा बार बार खोलती है बंद करती है, इसका काम यही रहता है। ये सीका लोगे लाडो सीका। बाकी देखिए कैसे एकदम मस्त तैयार और हो के एकदम। हाँ बाबू सीका कहाँ सीका है। तो गाइज ये देखिए लाडो हमारे सिंगरदानी के पास, कहीं भी बिस्तर पे भी नहीं बैठती, यहाँ भी कहीं भी नहीं बैठती, जाके वहीं बैठती है एकदम सिंगरदानी के पास और वहीं जाके बदमाशी करती है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे छोटी माना जा रहा है। सृष्टि बेटा मेरी सो रही है मस्त एकदम, देखिए कैसे नींद में सो रही है। अभी जग जाएगी ना ये तो बहुत रोएगी, इसलिए इसको एकदम शांति सुला दिया गया है। मनीषा भी यहाँ पे खाना निकाल रही है, क्या निकाली है, चावल है और सब्जी है, इसमें रोटी है। रोटी नहीं खाएंगी, रोटी नहीं खाएंगे दोस्तों, इनको ज्यादा रोटी नहीं पसंद है, चावल बहुत ज्यादा खाती है। एक दिन भी चावल ना भी नहीं जीती नहीं है, हम लोग रोटी के बगैर नहीं जीते हैं और ये चावल के बगैर नहीं, हमको चावल अच्छा लगता है। तो मस्त अभी खाना खाने जा रही है लाली। लाली ये हमको क्या बोलती है जी, लाली दोस्तों कभी मम्मी कह के बुलाती है, कभी कभी नहीं सुनते ना, गुस्से में आए कहती है लाली लाली लाडू लाली लालो लाली कहाँ है। तो दोस्तों ये देखिए इसमें से आलू निकाल करके सब फेंक रही है, उधर भी फेंकी है कुछ, यहाँ भी है, और ये देखिए फिर से फेंक रही है, देखिए गया वहाँ। का है लड्डू, आलू का लड्डू, आलू। तो भाई साहब नाश्ता वगैरह तो हो चुका है और अभी जो है बाइक मेरा जो था ना, जिस दिन पार्टी हुआ था, आप लोग अगर ब्लॉग देखेंगे तो पता होगा, एक दिन गए थे मनु भैया के यहाँ पार्टी करने जो जंगल में, तो उसी दिन जो है उससे एक दिन पहले जो मेरा बाइक था ना वो मनु भैया घर लेके गए थे और वहीं पर छोड़ दिए थे, और बड़ी वाली गाड़ी से मतलब वो अपने गाड़ी से हमको छोड़ दिए थे यहाँ पर, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा ठंडी था तो बाइक से आना सही नहीं था। तो वो बाइक मेरे घर पर है नहीं, मनु भैया घर पर है, तो मनु भैया जो है बाइक लेके आ रहे हैं और उसी बाइक से हम दोनों निकलेंगे। और जो भी बैंक में पापा का जो बैंक है ना कटिया में, वहाँ KYC करवाना था, KYC जो है वो फेल्ड हो चुका है, तो उसी को फिर दोबारा KYC कराना है, तो वही जा रहे हैं KYC कराने। और ये देखो लाडो हमको ये मोफलर लाके दे रही है कान में बांधने के लिए। का लड्डू अटाका खिला लो बेटा पापा जी से, का चाहिए का चाहिए लड्डू, टाका चाहिए। टाका टाका लगा के दे दीजिए, खरीद के टाका मांग रही है, उसी को टाका कहती है ये। तो चलो भाई निकल रहे हैं, बाहर काफी ज्यादा ठंडा है इसलिए मोफलर लाडो दिए लगाने को। बाय करो लाडो, बाय बाय करो, बाय 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 बाय, चलो बाय बाय बाय।
तो भाई घर से तो निकल चुके हैं और यहाँ पर देखो आप मनु भी अभी आ गए हैं, और ये वाला जो बाइक था ये मनु भैया का घर था जो कि हमारा बाइक है, और अभी हम और मनु भैया इसी से कटिया निकल रहे हैं जो कि KYC थोड़ा कराना था पापा का। और भाई मौसम यार इतना खतरनाक हुआ है ना कि भैया का तबीयत खराब है, बोले हैं तो भैया आ गए हैं। क्या हुआ है भैया? अरे थोड़ा ठंडा लग गया है भैया, क्या बताएं, और सर में दर्द भी हो गया था, तो इसीलिए सोच रहे हैं भैया आप ही चलाइए, हम उधर से लेके आएंगे, अच्छा रहेगा ना। हाँ सही है, ठीक है हटिए चलाएं। तो भाई ये रहा SBI बैंक, और इसी बैंक पे भी आया था लेकिन KYC जो है अभी पेंडिंग है, KYC हो नहीं पाया है। चलो जी भैया आइए। तो भाई अभी यहाँ से जो है ना घर के लिए निकल रहे हैं, और KYC इसलिए पेंडिंग हो गया है ना कि जिस मिल से KYC, जैसे पापा तो है नहीं यहाँ पर, पापा रहते तो आके डायरेक्ट बैंक में ऑफलाइन ही मतलब KYC हो जाना था, तो पापा बाहर है ना तो ऑनलाइन KYC कराना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में जो भी प्रोसेस होता है मेल द्वारा भेजा जाता है, तो वो जो मेल भेजा गया था जो भेजे थे ना वो अभी है नहीं, वो कल आएंगे, हो सकता है कल KYC फिर हमको आके फिर यहाँ से अप्रूव कराना पड़ेगा। चलो अभी निकल रहे हैं घर के लिए। तो भाई साहब अभी आ चुके हैं घर पे। भाई रास्ते में काफी ज्यादा ठंडा लग रहा था यार, आपको पता होगा कि अभी ठंडी कितना ज्यादा पड़ रहा है, तो बाहर निकलना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मनु भैया को छोड़ के और फिर हम वापस घर चले आए हैं, अभी आए अपने स्टूडियो में, तो यहाँ पे बैठ के यार अभी वीडियो एडिट कर रहा था, और मेरा पूरा भी वीडियो एडिट हो चुका है। तो चलो भाई अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं लाडो क्या कर रही है। और भाई अभी आ गए हैं कमरे में लाडो के पास, और देखो क्या कर रही है, ये चला रही है मोबाइल और देखो शॉर्ट वीडियो देख रही है। भगाओ लाडो, भगा के देखो, चेंज करो लाडो, एक बार और करो। देखो भाई अभी 1.5 साल की हुई और शॉर्ट वीडियो देखना चालू कर दिया, और इसको कंबल में बस इधर ठंडी के मौसम में पूरे कंबल में अंदर चली जाती है और बस शॉर्ट वीडियो चालू रहता है इसका। ये देखो देखो कैसे देख रही है। दोस्तों कपड़ा ही नहीं सूख रहा, इतना ज्यादा ठंडी है कि पूरा रूम में ऊपर से ले आया है, थोड़ा बहुत जो सूख गया था हल्का हल्का तो वही ले आके हस्बैंड जी का, देखिए यहाँ पे शर्ट दो है, ये भी और ये भी है, सूखा नहीं है फिर भी हल्का हल्का ढीला, सोचा रूम में सूख जाए, इतना ठंडी है कपड़ा भी नहीं सूख रहा है। मेरा तो ऊनी कपड़ा एक भी नहीं सूखा है, अब सोच रहे हैं कल ऊनी नहीं पहनेंगे, कल कॉटन पहनना पड़ेगा हमको, ऊनी जितना धुले थे सारा सूखा ही नहीं है हमारा, पहन के खत्म कर दिए, वही जाके सब डाल रहे हैं, स्वेटर वेटर सब डाल रहे हैं, ले आके टांग रहे इधर उधर, सब व्यवस्था लगा रहे हैं ताकि सूख जाए। तो चलो आज के ब्लॉग यार यहीं पे एंड करते हैं, बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ये भी कमेंट करना यार आप सब हमारी वीडियो जो है कहाँ से देखते हो, ताकि हमको ही मालूम पड़े कि हमारी ब्लॉग जो है वो कहाँ कहाँ तक देखा जा रहा है, ये हमको नहीं पता रहता है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो कमेंट करके अपना गांव का नाम ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से हो और आपके यहाँ कितना ठंडी पड़ रहा है, ये भी यार कमेंट करना, हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।